कि ये 4 लाइन खूनी रोड जो है ये बना नहीं है। पिछले 1 साल से इसका जो है कि बजट पास कर दिया गया, बस इसको बनाया नहीं गया है। ये सरकार जो हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है मेवात के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम सक्रिय संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है। सरकार यहाँ पे आके तरह तरीके के दावे तो ठोक कर जाती है, पर यहाँ पे काम नहीं करके जाती है। क्या मेवात इतना पिछड़ा सरकार ने हर तरीके की बना दिया है कि हम लोग किसी लायक, हमें किसी लायक नहीं समझती है सरकार? ऐसा क्यों है, मैं पूछना चाहूँगी। और जो भाई हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ तो भाई देखो लावणी चल रही हैं, कुछों के घरों में काम चल रहे हैं, कुछ वैसे अपनी जॉब वगैरह के लिए, पर जितने साथी आए हैं उनके हौसला उसलाम मैं हौसला अफजाई करती हूँ और बुलंद करती हूँ, उनके हौसले को सलाम करती हूँ कि हम लोगों ने अभी तक 12-13 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। और अगर हमें जाना पड़ा तो हम चंडीगढ़ तक पैदल जाएंगे और हम सरकार को दिखा देंगे कि हम लोग पीछे नहीं हैं संघर्ष करने में। पर सरकार भी हमारी तवज्जो करे और हम पर ध्यान दे मेवातवासियों पर, क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा तवज्जो मेवात वाले ही देते हैं जी। डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा और बड़कली चौक से लेकर नुह तक ये हो रहा है। कितनी गर्मी प्रोटेस्ट पड़ रही है, कैसे हालात? गर्मी तो देखिए बहुत है और कुछ लोग नंगे पैर भी आ रहे हैं और अपने संघर्ष को जारी रख रहे हैं। बहुत नौजवान साथी बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ में, बहुत सारे जुड़े हुए हैं, वह हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। देखिए अब सरकार को हमारे साइड देखना चाहिए। और मैं आग्रह करती हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रजिया बानो CM खट्टर से, मनोहर लाल खट्टर जी से आग्रह करती हूँ कि हमारी सुनवाई हो और इसको 4 लाइन किया जाए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना देखें मेवात, पलवल, रेवाड़ी, भरतपुर, अलवर, गुरुग्राम सहित तमाम जिलों की ताजा खबर रोजाना ना देखना भूलें मेवात सिटी न्यूज पर। बता दें कि लूट, हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों के अलावा जिला प्रशासन, नेताओं से जुड़ी तमाम खबरें रोजाना जरूर देखिएगा।